भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में दुनिया में किसी को भी संदेह नहीं होगा। चाहे आर्थिक सुस्ती का असर दुनिया में जितना भी हो, लेकिन भारत की विकास दर बिना रुकावट के तेजी से आगे बढ़ रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की 2023-24 के लिए विकास दर का अनुमान 6.4% रखा है, तो वहीं 2024 और 25 के लिए भी 6.7% के विकास दर की उम्मीद जताई गई है। विकास दर में तेजी के पीछे मजबूत डिमांड का भी बड़ा योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में 7.2% की विकास दर दर्ज की थी। वो ऐसा समय था जब अमेरिका और यूरोप समेत पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाएं महंगाई के दबाव के कारण पस्त हो चुकी थी। इसके बावजूद भी IMF की अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने आर्थिक सुस्ती के बीच भारत की विकास दर की सराहना भी की। ADB की रिपोर्ट के अनुसार आपको आने वाले समय में महंगाई कम देखने को मिलेगी, क्योंकि विकासशील देशों में महंगाई दर 3.6% रहेगी और अगले साल इसे 3.4% तक कम किया जा सकता है। लेकिन IMF ने फूड एंड ग्रेन्स की महंगाई के कारण जारी महंगाई पर चिंता व्यक्त की है। IMF की अध्यक्ष ने इसके लिए टाइट पॉलिसी की नीड पर जोर दिया है। भारत की ग्रोथ स्टोरी को सबसे ज्यादा तारीफ मिल रही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने जैसे 9 सालों में दुनिया में 10वें नंबर से 5वें स्थान पर आने का कमाल किया है, उसके लिए तो तारीफ बनती ही है। अब आने वाले समय में ये दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगी। ऐसा होने के पीछे GST, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर में सुधार और डिजिटलीकरण जैसे कई कदम शामिल है। भारत की ग्रोथ के लिए अभी और भी काम करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय में सुधार की जरूरत है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी काफी समस्याएं हैं। फीमेल लिटरेसी और शिक्षा में भी बदलाव चाहिए, भ्रष्टाचार भी कम होना चाहिए। अगर भारत इन समस्याओं का सामना जल्द ही कर लेता है तो विकास की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।